हे गाइस, आप सभी का स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट्स है, स्पेशली एक इवेंट के बारे में अपडेट्स है जो कि होने वाला है गाइस, आपका ईस्टर एक बनी इवेंट। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे आइटम्स देखने वाले हैं जो आप लोगों को इस इवेंट के अंदर मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, 30,000 लाइक के लिए एम रखते हैं गाइस, तो फटाफट लाइक नहीं कर तो अभी कभी कर दो यार, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ गाइस, चैनल के ऊपर न्यू हो और अभी तक वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, रेड दिख रहा है तो क्या कर रहे हो यार, उसको प्रेस करके काला कर डालो यार। साथ ही साथ यहाँ पे जो उसके बाजू में बेल नोटिफिकेशन आता है उसको भी प्रेस करके ऑन कर दो, एंड उसको जो है यहाँ पे ऑल पे सेट कर देना ध्यान से, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन ही मिले। और यूट्यूब तो रिकमेंडेशन टोटली बंद कर दिया है, मतलब यूट्यूब का सस्ता नशा चल रहा है। गाइस, आप लोग जो है वीडियोज को अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले क्या आने वाला है गेम के अंदर। सो चलो गाइस, फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आप में से जिनको पता नहीं है, फ्री फायर में हर साल ये वाला इवेंट आता है जहां पे आप लोगों को एक एक के टोकेंस होते हैं, या फिर बोल सकते हो एक कलेक्ट करने होते हैं मैप के अंदर से, और उसके बदले में आप लोगों को बहुत सारे आइटम्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इसका स्पेशल टॉपअप इवेंट भी आता है, जहां पे स्पेशल टॉपअप पे आप लोगों को सारे इसके आइटम्स देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा गाइस, आप लोगों को मेल एंड फीमेल के कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिलता है, एंड एक कॉस्ट्यूम होता है जो आप लोगों को फ्री में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा होता है यहाँ पे हम लोगों का हर साल का बनी इवेंट, या फिर आप बोल सकते हो ईस्टर एक बनी इवेंट, जो भी आप लोगों की मर्जी हो। तो अभी गाइस देखते हैं इस बार हम लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है इस इवेंट के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये होने वाला है बैनर, और बैनर की बात की जाए तो बहुत ओपी लग रहा है इसका कलर वगैरह। उसके बाद आपको एक छोटू वाला अवतार आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये भी देखने में काफी अच्छा है, बट हाँ बैनर कुछ ज्यादा ही खास है। उसके बाद आपको ये वाला मार्क्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हो बनी बना हुआ है, और ये जो है ये सारे प्लेयर्स को ऑलमोस्ट फ्री में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा हर बार होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये मार्क्स जो है मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर्स पहन सकते हैं, और किस तरीके का इसका डिजाइन है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, काफी अच्छा लग रहा है यार, बुरा नहीं लग रहा है देखने में। तो आप लोग बताना गाइस, आप लोगों को ये कैसा लगा है? वैसे जो इसको पहनने वाले और कितने होंगे वो तो मुझे नहीं पता, तो देखते हैं गाइस कैसा होता है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पैराशूट का स्किन, और ये पैराशूट का स्किन के ऊपर आप लोग देख सकते हो बनी बना हुआ है, मतलब बनी का फेस बना हुआ है। और ये इवेंट आप लोग देख सकते हो बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ के एंड के टाइम पे आप लोग को ये देखने के लिए मिल सकता है, मतलब मार्च के एंड में, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऐसा सब कुछ आइटम्स यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एक और आपको मार्क्स देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग देख सकते हो ये देखने में काफी ज्यादा लाजवाब लग रहा है। इसका कलर वगैरह देख सकते हो गाइस किस तरीके का बनाया गया है, और इसको भी यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर पहन सकते हैं, मतलब दो मार्क्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, आप लोग जरूर बताना कमेंट करके आपको ये चीजें कैसे लगी है। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो इसका जो कलर है ना भाई, ये देखने में बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और बात रही यहाँ पे जो फ्री कॉस्ट्यूम होता है गाइस हर बार का, तो ये होने वाला है इस बार का फ्री कॉस्ट्यूम, और ये आप लोगों को एक साथ पहनना पड़ता है, इसके कोई सेपरेट पार्ट नहीं होते, एक साथ आप पहन सकते हो इसको। तो ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैसे मिलेंगे? तो गाइज आप लोगों को एक तरीके का एक होगा जो आप लोगों को मैप के अंदर से कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बदले में आप लोगों को ये वाला कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपको मिल जाएगा एक सर्फबोर्ड देखने के लिए, सर्फबोर्ड काफी ज्यादा ओपी लग रहा है गाइज आप लोग देखो। यहाँ पे थीम जो है इस बार का ब्लू एंड पर्पल के ऊपर रखा गया है, सो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कलर देखने में। ये होने वाला है गाइज मोस्ट प्रोबेबली आपका टॉप अप इवेंट का आइटम, मतलब टॉप अप पे जो दिया जाता है ना गाइज सामान, उसके अंदर शायद आपको ये देखने के लिए मिल सकता है 500 डायमंड टॉप या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। गाइज इसका मतलब है हम लोगों को ब्लू कार का एक और स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। और स्किन की बात की जाए तो गाइज आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को ये वाला स्किन कैसा लगा है। बाकी मेरे को तो काफी अच्छा लगा ये देखने में भाई, बुरा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जब आप लोगों को मनी हाइस्ट वाला थीम का मिला था उसके बाद ये वाला आ रहा है, तो ये वाला काफी ओपी है। इसके बाद आता है गाइज मेन कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, तो ये होने वाला है हम का इस बार का मेन फीमेल कॉस्ट्यूम। तो इस कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो भाई कोई भी एनिमेशन वगैरह आपको इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा। और गाइस अगर आप लोग इस कॉस्ट्यूम को अच्छे से देखोगे तो इसके हाथ में आप लोग अगर देखोगे तो गाइस आपको एक रेनबो इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको कोई भी कॉस्ट्यूम के अंदर और देखने के लिए नहीं मिलता है। आप लोग यहां पे देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ होने वाला है, इसका बनी वाला जो फेस के ऊपर आप लोग लगा सकते हो इसको, मतलब इसको क्या बोलते हैं मार्क्स बोलते हैं, फेस मार्क्स जो भी आप बोलो, इसको आप लगा सकते हो। उसके बाद आता है गाइस आपका यहाँ पे जैकेट, तो ये जैकेट को गाइस आप लोग अगर अच्छे से देखोगे
आप लोग समझोगे गाइस, यहाँ पे आप लोग देखो हाथ के ऊपर आपको एक रेनबो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो चीज है ना भाई, ये जो इफेक्ट है, ये इस कॉस्ट्यूम को थोड़ा यूनिक बनाता है और देखने में काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। बुरा तो बिल्कुल नहीं है, आप लोग देख के बताना गाइस आप लोग को कैसा लग रहा है देखने में। मुझे पर्सनली ये वाला कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस आप लोग जरूर कॉमेंट करना और अपना ओपिनियन जरूर देना गाइस। आप लोगों के ओपिनियन से पता चलता है कि आप लोगों का थिंकिंग कैसा है। और ये होने वाला है इसका पैंट, आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ होने वाला है। तो यार काफी अच्छा है ओवरऑल जो कॉस्ट्यूम है। मुझे रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूं। तो मेरे लिए तो काफी अच्छा है गाइस। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगता है। और इसके पीछे आप लोगों को एक छोटा सा पूंछ देखने के लिए मिल जाएगा और इसके बाद आपको जूता देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको स्नो वाला जूता भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत सफेद कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ये गाइस आपका मेन फीमेल कॉस्ट्यूम इस बार के इवेंट का। और यहां पे आप लोग देख सकते हो ये होने वाला आपका बैकपैक। लेवल वन पे गाइस कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसके ऊपर आप लोग बोल सकते हो इसको छोटा बनी बैकपैक, जो भी आप इसको बोलो। तो लेवल टू होने पे गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा, काफी ओपी लग रहा है कलर वगैरह देखने में यहाँ पे आप लोग देखो। और लेवल थ्री होने के बाद गाइस आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड गाइस ये वाला बैकपैक का स्किन हो सकता है आप लोगों को टॉप अप इवेंट के अंदर देखने के लिए मिले। और ये होने वाला है आपका लूट बॉक्स, जो कि आपको इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो इवेंट पेज होगा गाइस, जैसे कि हर बार होता है इस बार भी होगा, तो इस बार भी इवेंट पेज के अंदर से आप लोगों को ये वाला लूट बॉक्स का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस मैं श्योर नहीं हूं, जितना भी हो सकता है गाइस मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन बता रहा हूं अपना, हर बार का ऐसा ही होता है तो इस बार भी ऐसा ही होगा शायद से। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा M14 का लेजेंडरी स्किन, आप लोग देख सकते हो गाइस गेम के अंदर आने वाला है। सो इसी इवेंट के टाइम पे आने वाला है। और अगर इसकी बात की जाए एट्रीब्यूट्स की, तो गाइस इसके अंदर आपको सिंगल डैमेज प्लस देखने के लिए मिलेगा एंड डबल रेंज प्लस देखने के लिए मिल सकता है गाइस। आप लोग बताना गाइस आपको क्या लगता है, ये वाला स्किन ज्यादा बेटर होगा या फिर डबल रेट ऑफ फायर? मुझे तो लगता है भाई डबल रेट ऑफ फायर ज्यादा बेटर होगा इसके सामने। पता नहीं, एट्रीब्यूट्स तो मैं आप लोगों को बता दिया, बाहर के लैंग्वेज है मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता दिया। इसके बाद आपको देखने के लिए पैराफेल का एक स्किन, ये एक थीम टाइप का स्किन होने वाला है, कोई लेजेंडरी स्किन नहीं है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो पैराफेल का एक और आपको गेम के अंदर स्किन देखने के लिए मिल सकता है इस इवेंट के अंदर। मतलब जब ये इवेंट आएगा उसके बाद ही आपको ये सब चीजें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ईस्टर एक इवेंट के अंदर ही आ रहा है। और गाइस अगर बात की जाए इसके एट्रीब्यूट्स की, तो इसके अंदर आपको सिंगल डैमेज देखने के लिए मिल जाएगा, सिंगल आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये होने वाले गाइस इसके प्लस एट्रीब्यूट्स। तो आप लोग जरूर बताना गाइस आपको ये वाला पैराफेल का स्किन कैसा लगा है। तो गाइस इसके बाद आता है हम लोगों का सबसे ज्यादा डिमांडेबल आइटम मेल कॉस्ट्यूम। और आप लोग देख सकते हो मेल कॉस्ट्यूम किस तरीके का होने वाला है। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है फीमेल कॉस्ट्यूम के हाथ में आप लोगों को एक रेनबो इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा था, बट गाइस मेल कॉस्ट्यूम के पूरे बॉडी में आपको वो चीज देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे वो बात हो यहाँ पे हैट की, तो आप लोग देख सकते हो ये जो हैट है गाइस इसके ऊपर भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इसको हुडी भी बोल सकते हो। और इसका जो कान है गाइस ये घूमता भी है, मतलब थोड़ा बहुत हिलता भी है इसको, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद आता है इसके मार्क्स की बात, तो मार्क्स देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। और ये एक रियलिस्टिक वाला मार्क्स है जैसे कि आप लोग देखो गाइस। इसके बाद आता है गाइस आपका जैकेट, तो भाई इसके बारे में क्या ही कहे भाई, एक नंबर लग रहा है गाइस। फटाफट इसके लिए तो यार एक लाइक वीडियो के अंदर बनता है भाई, फटाफट लाइक कर डाले वीडियो को अभी तक अगर नहीं किया है तो। ऐसा हल करने की जरूरत नहीं है, बट लाइक जरूर कर देना। तो गाइस अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर आपको रैबिट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बनी मतलब रैबिट, तो रैबिट यहाँ पे आप लोगों को बना हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात की जाए इसके पैंट की, तो गाइस आप लोग इसका पैंट देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना इस पैंट के बारे में। बताओ तो गाइस पैंट मुझे कुछ खास नहीं लगा। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो इसका जूता, जूता काफी अच्छा है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सो ये होने वाला है आपका मेल बंडल इस इवेंट का, जो कि नेम है आपका ईस्टर एक इवेंट, बनी इवेंट, आप इसको जो भी बोल सकते हो। सो गाइस यहां पे आप लोग जरूर बताना गाइस आप लोगों को टोटल जो आइटम्स है वो किस तरीके के लगे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कॉस्ट्यूम देखने के लिए मिल जाएंगे। और बात रही मेन मेल एंड फीमेल कॉस्ट्यूम की, तो गाइस हो सकता है आप लोगों को फेरर व्हील के अंदर देखने के लिए मिले, हो सकता है आप लोगों को वो डायमंड रॉयल के अंदर देखने के लिए मिले, हो सकता है आप लोगों को स्पेशल कोई इवेंट के अंदर देखने के लिए मिले, लाइक जो आता है ना डायमंड से लेने वाले वैसे टाइप के कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। हाँ इसका इवेंट पेज भी गाइस बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। गाइस आप लोगों को पूरा इवेंट के फुल डिटेल्स दे दूंगा, जैसे हर एक इवेंट के अंदर देता हूँ। सो इसीलिए गाइस चैनल के ऊपर न्यू तो सब्सक्राइब करो यार, 80% लोग जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं करते हो, कर डालो यार। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनको भी पता चले क्या आने वाला है। और गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो गाइस इस हफ्ते हम लोग कर रहे हैं रेगुलर बुया लाइव पे गिव अवे, जहाँ पे आप लोगों को डिस्कॉर्ड में कस्टम रूम के आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं। सो गाइस डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जरूर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को लाइव आईडी पासवर्ड बोल के जो रूम है उसके अंदर आपको पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, एंड उसके बाद गाइस आके आप लोग खेल सकते हो लाइव स्ट्रीम पे कस्टम। जीतने वाले हर एक बंदे को गाइस 100 डायमंड भी मिल रहा है। आज के अंदर गाइस आप लोगों ने 6 कस्टम किया था, 6 विनर्स भी हम लोगों को मिले थे, तो गाइस कल आप लोगों का दिन भी हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं फ्रेश वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।